नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल इट्स सुमित कुमार में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टाटा टियागो के म्यूजिक सिस्टम के बारे में कि इसके कौन कौन से वेरिएंट में आपको किस टाइप के म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाते हैं, आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए यदि आप गाड़ी लेने के बाद म्यूजिक सिस्टम चेंज करवाना चाहते हैं, और क्या आपकी डिमांड है उस हिसाब से आपके लिए कौन सा म्यूजिक सिस्टम बेस्ट रहेगा। सो बने रहिए इस वीडियो में और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो दोस्तों, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, मैं हूं अपनी टाटा टियागो के अंदर और मेरे पास ये जो वेरिएंट है ये टाटा टियागो का XZ वेरिएंट है, ऑप्शनल नहीं, XZ वेरिएंट है और ये 2019 का वेरिएंट है। अब इस वक्त इस गाड़ी में जो ये वेरिएंट आ रहा है उसमें जो म्यूज़िक सिस्टम आ रहा है सेम आपको यही फीचर्स के साथ यही वाला देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें जो बटन्स दी हुई है ये बटन्स अब कुछ टच वाले तरीके की हो गई है, मतलब टच करके काम करती है। लेकिन पर्सनली मुझे ये जो बटन वाला सिस्टम है ये काफ़ी अच्छा जमता है, क्योंकि गाड़ी में अगर आप सामने की तरफ ड्राइव करके अगर बटन वगैरह ऐसे मतलब दबाते तो वो काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है। टच अब पता नहीं हर कहीं टच हो रहा है तो वो थोड़ा सा और लगता है, बाकी अपनी अपनी पसंद है, वो तो उस बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि इस वाले म्यूज़िक सिस्टम को आपको चेंज करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। उससे पहले आप जान लें इस म्यूज़िक सिस्टम की विशेषताएं। तो इस म्यूज़िक सिस्टम की खासियत ये है कि ये हारमन कार्डोन का म्यूज़िक सिस्टम है और इसमें आपको 4 JBL के स्पीकर्स चारों डोर्स पर और साथ में 2 सामने के पिलर्स पर आपको ट्विटर्स देखने को मिल जाते हैं। इन चारों स्पीकर्स और इस म्यूज़िक सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं और साउंड क्वालिटी की बात करूं तो ये अपने आप में इस सेगमेंट में सबसे तगड़ी देखने को मिल जाती है, जो कि आपको मतलब इस सेगमेंट की किसी भी कार में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ लोग क्या सोचते हैं कि लोअर वेरियंट ले लेते हैं, ये वाला म्यूज़िक सिस्टम ले लेते हैं और इसकी जगह पर हम मतलब JBL जो है सबसे अच्छी क्वालिटी के स्पीकर्स माने जाते हैं, स्पीकर्स तो हम JBL के ही रखेंगे लेकिन यहाँ पर कुछ टच वाला सिस्टम करवा लेंगे, रिवर्स में कैमरा लगवा लेंगे, बेहतरीन साउंड वही आएगी। सो जी नहीं दोस्तों, अगर आप इस वाले म्यूज़िक सिस्टम को इन स्पीकर से अलग करते हैं तो आपको जो साउंड क्वालिटी है उसमें कमी देखने को मिलेगी, उतनी अच्छी साउंड क्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हारमन और JBL का जो कॉम्बिनेशन है इसका अभी तक कोई तोड़ नहीं है। सो ये चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा, या तो आप इस वाले सिस्टम को लें ही ना, यदि आपको आफ्टर मार्केट टच स्क्रीन लगवाना है या एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो का सपोर्ट लेना है तो आप इससे एक हायर वेरिएंट आता है XZ प्लस, उस वाले वेरिएंट में जा सकते हैं। उसमें आपको अलॉय व्हील्स और रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि सचमुच काफ़ी तगड़े हैं। केवल स्क्रीन ही आपका वो नहीं, उसमें आपको ऑटोमेटिक एसी वगैरह बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। सो ये आपके लिए एक ऑप्शन हो गया। अगर आप इन सारे फीचर्स को नहीं चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सिर्फ मुझे टच स्क्रीन रिवर्स पार्किंग सेंसर कैमरा के साथ मिल जाए तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप XZ मॉडल ना लें। आप इससे लोअर वेरिएंट ले सकते हैं XT XE, जिसमें कि आपको म्यूज़िक सिस्टम अवेलेबल नहीं है, आपको स्टॉक यहाँ पर केवल जगह दे दी हुई होती है जहाँ पर आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं और फिर वहाँ पर आपको जो चाहें आप आफ्टर मार्केट सिस्टम लगवा सकते हैं, चाहे वो पाइनियर का हो, टाटा वाले खुद ऑफर करते हैं उन्हें आप लगवा सकते हैं, उनकी भी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है लेकिन इस वाले म्यूज़िक सिस्टम से तगड़ी नहीं है। सो जो साउंड क्वालिटी के लवर्स हैं, जिन्हें केवल म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा सुनना अच्छा लगता है, तो मैं उन लोगों के लिए रिकमेंड करूँगा। और इस वाले म्यूज़िक सिस्टम में भी काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं लेकिन आपको एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। उसकी जगह पर आपको कनेक्ट नेक्स्ट ऐप से और एक नेवी मैप्स करके आता है उसका सपोर्ट देखने को मिल जाता है, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा जो कि आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप देख सकते हैं वो किस तरीके से काम करता है, उसका रिव्यू दे दूंगा कि कैसा वो है आपके लिए और कैसा नहीं है। उसके बावजूद मैं अगर आपको एक सस्ती सी टिप दूं तो वो ये है कि आप एक मोबाइल कार होल्डर लगा करके मोबाइल को इससे ब्लूटूथ से कनेक्ट करके अगर उसमें अगर आप मैप्स वगैरह या कुछ देखेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है और उसमें भी सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, एक तरीके से टच का ही काम करेगा। बाकी वन ऑफ द बेस्ट म्यूज़िक सिस्टम ये माना जाता है हारमन का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल ब्रांड्स जैसे कि BMW मर्सिडीज़ या फिर काफ़ी ज़्यादा हाई रेटेड उनमें ये वाला जो ब्रांड है उसके म्यूज़िक सिस्टम देखने को मिलते हैं, जो कि टाटा अपनी लोवेस्ट कार जो कि सबसे छोटी अभी फ़िलहाल टियागो है उसमें भी अवेलेबल कराता है। तो आप सोच सकते हैं कि इसके हायर कार में कितने अच्छे तगड़ी क्वालिटी के साउंड सिस्टम होंगे। सो ये कुछ बातें थी
उम्मीद है आप लोग को समझ में आई होगी कि आपको म्यूज़िक सिस्टम चेंज करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, या आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए अगर आप म्यूज़िक सिस्टम अच्छा वाला चाहते हैं, अच्छी तगड़ी साउंड क्वालिटी का चाहते हैं। सो ये थी वीडियो मेरी तरफ से, उम्मीद है आप लोग को पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए इस वाले चैनल को, अगर आप ऑटोमोबाइल या टाटा टियागो से रिलेटेड कंटेंट पसंद करते हैं। बाकी मिलूंगा मैं आपसे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।